आज ही डाउट नेट ऐप डाउनलोड करें डाउट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है वाई आर के थॉर्ड रेज ऑलवेज कंसिडर टू बी कंजिस्ट ऑफ फंडामेंटल कॉमन पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि जो कैथोड रेज हैं वो ही हमेशा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स से कंजस्ट क्यों होते हैं इलेक्ट्रॉन से क्यों बने हुए होते हैं जो कि एक फंडामेंटल कॉमन पार्टिकल है ठीक है तो बेसिकली हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कैथोड रेज होते क्या हैं कैथोड रे बेसिकली एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि से एमिट होती है हाई वैक्यूम ट्यूब में ठीक है तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम एक सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कैथोड रे का ये एक वैक्यूम ट्यूब है राइट ये वैक्यूम ट्यूब है हम दो टर्मिनल्स बना लेते हैं एक साइड हम बना लेते हैं कैथोड और एक साइड हम बना लेते हैं एनोड ठीक है कैथोड पे आएगा नेगेटिव चार्ज एनोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ये डिस्चार्ज ट्यूब है यानी कि वैक्यूम ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब और यहाँ पे जो एयर होती है बहुत लो प्रेशर पे होती है एयर एट वेरी लो प्रेशर राइट इसको हम वोल्ट मीटर से अटैच कर देते हैं ये बन जाएगा हमारे पास हाई वोल्टेज जनरेटर है राइट ये हो जाएगा हमारा सर्किट कंप्लीट और यहाँ पे हम लगा देते हैं वैक्यूम पंप लगा देते हैं ठीक है ये हो जाएगा हमारा वैक्यूम वैक्यूम पंप पंप अब क्या होता है थर्ड रेज में बेसिकली स्ट्रीम्स जनरेट होती है स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलती है वैक्यूम ट्यूब्स में जो कि कैथोड रेज से जनरेट होती है तो अगर कोई इवैक्यूट ग्लास ट्यूब को हमने एक, आ, मतलब इवैक्यूएट ग्लास ट्यूब है जैसे हमारे पास ठीक है इसमें हम दो टर्मिनल्स लगा दें कैथोड और एनोड के और उसे उसमें वोल्टेज लगा दें हाई वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करें तो जो ग्लास होता है बिहाइंड द तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड इसके पीछे का जो ग्लास होगा ग्लास ट्यूब के पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्लो करने लग जाएगा ठीक है यहाँ पर हमें इट द ग्लास ऑफ द ट्यूब इज ऑब्जर्व टू ग्लो अगर हम इसके पीछे देखें तो किसकी वजह से ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं जो हमारे पास स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस वजह से हो रहा है ठीक है रीजन होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो बेसिकली हमें यह बताने हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकलते हैं क्या काम होता है इन इलेक्ट्रॉन्स का ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज इलेक्ट्रॉन्स दे प्रोजेस चार्ज टू मास रेशियो ठीक है बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स पुजेस सेम चार्ज टू मास रेशियो जो इनका ई बाई एम रेशियो होता है वो सबका सेम होता है ठीक है सेम रेशियो ई बाई एम को क्या कहते हैं चार्ज टू मास रेशियो राइट ये जो चार्ज टू मास रेशियो होता है वो सारी गैस के लिए सेम होता है यानी कि ये जो रेशियो है ये जो गैस डिस्चार्ज हो रही है इस ट्यूब में उस पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे भी डिपेंड नहीं करता है ठीक है ये जो चार्ज टू मास रेशियो है दर हम दो पॉइंट लिखेंगे इसके लिए कि जो हमारे पास E बाई एम रेशियो है इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी गैस डिस्चार्ज कौन सी गैस डिस्चार्ज हुई है उस पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है डिस्चार्ज एंड ऑल्सो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉड इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉड पे इंडिपेंडेंट है उसके ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि जो कैथोड रेज हैं वो गैसियस चार्ज आइटम से कंजिस्ट नहीं हुई हुई हैं मतलब गैसियस चार्ज आइटम से नहीं बनी हुई हुई हैं अगर ई e बाय अगर ये जो कैथोड रेज है अगर इनमें गैस होती मतलब गैसियस चार्ज आइटम से ये बनी होती तो इन सब गैसेस के लिए पर्टिकुलर गैस के लिए जो हमारे पास ई e, गैसेस के लिए बेसिकली ई बाई एम रेशियो जो होता है वो हमारे डिफरेंट होता है हर एक गैस के लिए ठीक है अगर हम अलग तो e अलग गैस लेते हैं तो सबके लिए ई बाई एम रेशियो अलग अलग आएगा तो यानी कि गैसियस एटम्स हमने यहाँ पे यूज नहीं किए हुए हैं राइट तो इसीलिए हम यहाँ पे यही हमारा एक मेन रीजन है कि जो कैथोड रेज हैं, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स से ऑक्युपाइड होते हैं जो कि यानी कि हम उसके लिए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं जो कि एक फंडामेंटल कॉमन पार्टिकल है ठीक है विच आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल कॉमन पार्टिकल्स ठीक है और हमने गैसियस आइटम यहाँ पे नहीं लिए हुए हैं क्योंकि सबका ई बाियो सिमिलर है राइट right? सेम e तो ये था हमारे लिए इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन थैंक यू क्लास सिक्स से लेकर नीट आई आई टी जे मीन और एडवांस के लेवल का दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनलोड करिए डाउट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर